सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीजे कंट्रोलर का मास्टर क्लास। और आज के इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं डीडीजे 400। डीजे कंट्रोलर किस तरह से यूज करते हैं, उसका फीचर्स क्या होता है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो को करने वाले हैं। प्लस अगर आपके पास डीडीजे 400 नहीं है, आपके पास कोई और कंट्रोलर है, तो कोई बात नहीं, आज का जो वीडियो है वो आप कोई भी कंट्रोलर में कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके पास डीडीजे 400 होगा तो ही आप ये वीडियो देखें, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ वो आप कोई भी कंट्रोलर हो, सीडीजे प्लेयर हो, बड़े से बड़े प्लेयर हो, ये जो फंक्शन जो मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ, जो बेसिक फीचर, वो आपको हर कंट्रोलर, हर सीडीजे, हर डेनन प्लेयर, हरक्यूलिस प्लेयर, जो प्लेयर आप बोलो, आपको ये फंक्शन उन प्लेयर्स में मिलेंगे। प्लस जो ट्रैक्स मैं यहाँ पर आज यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आपको वो ट्रैक प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए वहाँ पर, और वहाँ पर मुझे आप पर्सनली डीएम कीजिए, तो वो जो लिंक है मैं आपको वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा। तो चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं, वो है हमारा कनेक्शन, जो भी हम कनेक्ट करते हैं, स्पीकर्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं और लैपटॉप को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कंट्रोलर एक ऐसी चीज़ है, वो बिना लैपटॉप के नहीं चलते, इसमें यूएसबी का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, और इसको चलाने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब कनेक्शन की बात करते हैं, तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो बैक साइड में मोस्टली सारे कंट्रोलर या फिर कोई भी बड़े बड़े डीजे प्लेयर भी, सीडीजेस भी होते हैं, उनके जो आउटपुट होते हैं मोस्टली पीछे होते हैं, और उसका जो मेन आउटपुट होता है वो है उसका मास्टर आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर आउट। मास्टर आउट का मतलब है कि आप यहाँ पर जो भी ट्रैक प्ले करेंगे उसका जो मास्टर आउट है वो यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ से आप जब कनेक्ट करके आप आपके होम थिएटर में कनेक्ट करेंगे तो आप जो भी ट्रैक को प्ले करेंगे, और जब भी आपका फेडर ऊपर होगा तो ट्रैक है वो आपको आपके होम थिएटर पे सुनाई देगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर लिखा हुआ है। जब आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वॉल्यूम कम चाहिए, कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए, आप यहाँ से इस मास्टर को डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर मास्टर है और यहाँ पर मास्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी आउट जाएगा उसको आपको यहाँ से कंट्रोल करना है, उसके वॉल्यूम को यहाँ से कंट्रोल करना है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरह का वायर लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरसी केबल है, हम इसको यहाँ पर वाइट लगा देते हैं और रेड में इस तरह से रेड लगा देते हैं। तो ये अब कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट होगा, जो भी आप होम थिएटर यूज़ करेंगे वो कैसा होगा। तो अगर आपके पास इस तरह का पिन है और आपका जो होम थिएटर है वो ये पिन सपोर्ट करता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर आरसी टू आरसी आउट भी आता है, जो यहाँ पर भी आरसी आएगा और यहाँ पर भी आरसी, उसका जो इनपुट होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करा। तो ये है इसका मास्टर आउटपुट। अभी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका पावर, मतलब ये पावर पे नहीं चलता, इसको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको लैपटॉप की पावर की ज़रूरत पड़ती है। प्लस इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यूएसबी वायर लगेगा, जो कि कंट्रोलर के साथ में आता है। तो इस टाइप का जो वायर है वो आपको बेसिकली सारे कंट्रोलर के साथ में मिलता है, आप जो भी कंट्रोलर लेंगे आपको इस टाइप का वायर उसके साथ में मिलेगा। इनकेस अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो आपको ये कहीं पर भी नॉर्मल स्टोर में भी ये इजीली मिल जाएगा। तो ये वाला जो पिन है ये आपके कंट्रोलर में जाएगा, और ये वाला जो पिन है ये आपके लैपटॉप में कनेक्ट होगा। तो देखिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, और जैसे कनेक्ट करेगा तो इसको लाइट भी ऑन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर का जो लाइट है वो ऑन हो चुका है, और जब हम यहाँ पर ब्राउज करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप में भी ये ब्राउज स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब हम लैपटॉप में इसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है, अगर आपको माइक लगाना है तो आप यहाँ पर माइक भी लगा सकते हैं, इस तरह का आपको बड़ा जैक लगेगा, नॉर्मल जैक नहीं जाएगा, इस पर बड़ा जैक लगेगा, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ हो गया इसके आउटपुट का, ये आउटपुट और ये माइक इनपुट का। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपका हेडफोन्स। तो बिना हेडफोन्स के मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हेडफोन्स का पिन आपको नॉर्मली इस तरह से आएगा, और अगर आपके पास वो बड़ा जैक होगा तो आप यहाँ पर कन्वर्टर लगा के भी कर सकते हो, लेकिन हमारे डीडीजे 400 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सा फोन्स लिखा हुआ है। तो ये हमारा हेडफोन्स का इनपुट है। अब यहाँ पर हम हेडफोन्स डाल देंगे, तो जैसे हम हेडफोन्स डाल देंगे तो आप
को ध्यान रखना है कि ये जो लेवल यहाँ पर लिखा हुआ लेवल लिखा हुआ है वो आपका हेडफोन्स का है, मतलब आप जब इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपका जो हेडफोन्स में भी वॉल्यूम है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। और ये जो फीचर, जो सबसे लास्ट फीचर मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका ब्राउजिंग सेक्शन, जहाँ पर आप ट्रैक को ब्राउज करते हैं। जब इसको दबाते हैं तो ये आपका जो ये यहाँ से इस तरह से ये चेंज होता है, आप देख सकते हो। और यहाँ से आप ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, और फिर जो भी ट्रैक आपको पसंद है आपको सिंपली यहाँ पर लोड वन और लोड टू लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है और आपका ट्रैक जो है वो लोड हो जाएगा। यह उसी तरह से जब आपको डेक बी में लोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेक बी में ये लोड हो जाएगा। तो ये बेसिक कनेक्शन है जो सबसे पहला आपको शुरू करने से पहले ये चीज़ सारी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक ऑडियो ट्रैक प्ले करके चेक करना है कि आपका ऑडियो ट्रैक प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्ले नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर, ऑडियो में जाकर यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये DDJ 400 शो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस अगर आपको आपके लैपटॉप से भी इसको प्ले करना है तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके लैपटॉप से भी प्ले करेगा। तो यहाँ पर भी उसका बटन है, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो बटन दिख रहा है। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं और आपके आपके पास अगर आपको यहाँ से इसको आउटपुट नहीं देना है तो आपके लैपटॉप से भी आप उसको आपके होम थिएटर में कनेक्ट करके आपके लैपटॉप से भी आप उसको प्ले कर सकते हो। आपको सिंपली ये वाला जो बटन है यहाँ पर इसको क्लिक करना है, फिर आपको आप जो भी प्ले करेंगे वो लैपटॉप से आप आपके होम थिएटर में भी प्ले कर सकते हैं, यहाँ से बिना आउट दिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपका जो ये मास्टर का वॉल्यूम है वो काम नहीं करेगा, आपको यहाँ से इसको कंट्रोल करना होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे पहले आपको करनी है स्टार्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारा DJ कंट्रोलर किस तरह से काम करता है और कुछ उसके बेसिक फंक्शंस, जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं जिससे आप DJ स्टार्ट कर सकते हो। जो ये फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, आपके दुनिया के कोई भी DJ कंट्रोलर हो या फिर CDJs हो या Denon के प्लेयर हो, ये जो बेसिक फंक्शंस मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो हर कंट्रोलर में, हर DJs में और CDJs में आपको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर कंट्रोलर को देख सकते हैं, इसको हम तीन सेक्शन में बांटते हैं, जैसे कि ये है हमारा डेक ए, ये है हमारा डेक बी, ठीक है, ये दो सेक्शन हो गए। और आप जब डेक को देखेंगे तो जब डेक ए है वो भी सेम है और डेक बी देखेंगे वो एकदम कार्बन कॉपी है, वो भी सेम है। तो यहाँ पर जो भी आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे वो सेम फंक्शन आपको डेक बी में देखने को मिलते हैं। तो जहाँ CDJs की भी बात करते हो, CDJs भी इसी तरह से डिज़ाइंड होता है, यहाँ पर एक प्लेयर होता है, यहाँ पर एक प्लेयर होता है और बीच में मिक्सर होता है। उसी तरह से जब हम सेकंड सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा मिक्सर का सेक्शन, जहाँ पर हम ट्रैक को मिक्स करते हैं, EQ करते हैं, फेड इन फेड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि ट्रैक हमारा कब उसका वॉल्यूम कब आएगा, उसके इफ़ेक्ट्स क्या डालने हैं, वो सारे हम ये मिक्सर में करते हैं। और ट्रैक को प्ले करना, पॉज करना, सेट करना, वो सारे हम डेक में करते हैं। तो तीन सेक्शन में हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो अभी हम सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, वो है हमारा क्यू और प्ले का बटन। तो जैसे कि मैंने कहा था, आप कोई भी कंट्रोलर ले लो, अगर आपके पास हर्कुलस का कंट्रोलर होगा या फिर कोई और कंट्रोलर होगा तो आपके पास ये क्यू और जो प्ले का बटन है ये आपके पास आपके कंट्रोलर में होगा। क्योंकि जब हम ट्रैक को प्ले करने के लिए हमको प्ले करना पड़ता है और ट्रैक को सेट करने के लिए आपको कहाँ से प्ले करना है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, उसको डिसाइड करने के लिए आपको क्यू दबाना पड़ता है। तो जैसे कि मैं ट्रैक को प्ले करूँगा, जब मैं इसको पॉज करूँगा तो ट्रैक रुक जाएगा, उसे जैसे वापस प्ले करूँगा ट्रैक प्ले होगा, पॉज करूँगा तो ट्रैक रुक जाएगा। उसी तरह से हम बात करते हैं अब क्यू बटन की। क्यू बटन से हम डिसाइड करते हैं कि ट्रैक को हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को ट्रैक को मान लें कि मुझे ड्रॉप के बाद उसको यहाँ से प्ले करना है तो मुझे क्या करना होगा, उसको मैं प्ले दबाऊँगा और जैसे बीट आएगा मैं उसको वहाँ पर पॉज कर दूँगा। पॉज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर पॉज करूँगा, यहाँ पर पॉज करने के बाद मैं जाता हूँ परफेक्ट बीट पर, जॉग व्हील से इसको मैं घुमाता हूँ, यहाँ पर मैं क्यू करता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं क्यू दबाऊंगा तो ये जो ट्रैक है वो वहाँ से ही प्ले होगा। जब मैं प्ले भी दबाऊंगा तो ट्रैक वहाँ से प्ले होगा। तो बेसिकली क्यू का मतलब है कि आपको डिसाइड करना है कि क्यू आपको, मतलब आपका जो ट्रैक है आपको उसको कहाँ से प्ले करना है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्यू और प्ले पॉज। और क्यू करने के लिए हमेशा आपको उस जगह पे पॉज करना होता है, क्योंकि अगर आप वापस से क्यू दबाएंगे तो ट्रैक वापस स्टार्ट में चला जाए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टेम्पो फेडर। ये जो टेम्पो फेडर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हम जो हमारा टेम्पो है वो आपको 124 दिखा रहा है, स्पीड है जो ट्रैक का। और जब मैं इसको ऊपर करूँगा धीरे धीरे, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। जब मैं इसको नीचे की तरफ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्पीड है वो यहाँ पर अब बढ़ चुका है। तो बेसिकली ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको क्यू आर पॉज है और यहाँ पर भी आपका टेम्पो का फेडर है। तो यहाँ पर भी जब आप ट्रैक को फेडर को ऊपर करेंगे तो आपका ट्रैक है वो स्लो हो जाएगा, नीचे करेंगे तो आपका ट्रैक है वो फास्ट हो जाएगा। तो इसका क्या यूज़ है और इसको क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तीसरी जो सबसे बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो है आपका जॉग व्हील। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड में सेम जॉग व्हील है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको इस तरह से या फिर इस तरह से आप इसको राइट और लेफ्ट में घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप जॉग व्हील के ऊपर जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ये स्क्रैच का फीलिंग देगा, मतलब इसे आपको आप उसको एक टर्न टेबल की तरह यूज़ कर सकते हो स्क्रैचिंग के लिए। और उसी तरह जब आप इसको यहाँ से इस तरह से घुमाते हैं तो आपका जो ट्रैक है वो पर्टिकुलर सेकेंड्स के लिए फास्ट या फिर स्लो होगा। जिसके मैं ट्रैक को अगर मैं प्ले करूँ एक, और जब मैं जॉग व्हील को साइड से घुमाऊँ तो आप देख सकते हैं ट्रैक का जो स्पीड है, जो उसका स्पीड है वो एक पर्टिकुलर थोड़े सेकेंड्स के लिए वो बढ़ जाएगा। भले कि इसका टेम्पो है वो चेंज नहीं होगा लेकिन ट्रैक थोड़ा सा फास्ट होगा। मैं यहाँ पर प्ले करके दिखाता आपको। अभी पीछे करता हूँ, तो आपने देखा कि जो टेम्पो था वो उसका सेम ही था, टेम्पो चेंज नहीं हुआ लेकिन उसका जो ट्रैक का जो स्पीड है थोड़े सेकंड्स के लिए स्लो हो गया, थोड़े सेकंड्स के लिए वो फास्ट हो गया। बेसिकली वो हम यूज़ करते हैं पिच बेंडिंग में, जब हमारा जो दोनों टेम्पो सेम होता है ट्रैक का, जब हम उसको मिक्स करते हैं और कभी हम बीट से आगे पीछे छूट जाते हैं तो हम पिच बेंड करके ट्रैक को मैच करने की कोशिश करते हैं पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए। थोड़ा सा लेट प्ले किया तो थोड़ा सा हमने उसको फास्ट कर लिया, थोड़ा सा अगर जल्दी प्ले किया तो उसको थोड़ा सा स्लो कर लिया, और पिच को बीट टू बीट मैच करते हैं पिच बेंडिंग से। लेकिन दोनों सिंक में होना, मतलब दोनों का जो बीपीएम है वो सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ है आपको, बेसिक चीज़ें, इसको सबसे पहला आपको प्रैक्टिस करना है और ये चीज़ को आपको सबसे पहला कवर करना है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन के, जो थर्ड सेक्शन है, जो मिक्सर का सेक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नॉब्स है, यहाँ पर इसका फेडर है और ये है हमारा क्रॉस फेडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फेडर की। तो फेडर क्या है, फेडर जो डेक ए है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। इसका मतलब डेक 1 का जो भी वॉल्यूम है वो ये कंट्रोल करेगा और डेक 2 का जो है वॉल्यूम वो ये कंट्रोल करेगा। जब मैं ट्रैक को प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कोई साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको धीरे धीरे ऊपर करूँगा तो ये इसका वॉल्यूम यहाँ पर प्ले हो गया। उसी तरह से जब मैं इसको प्ले करूँगा और इसका फेडर ऊपर करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम अब यहाँ पर प्ले हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं क्रॉस फेडर की। क्रॉस फेडर बेसिकली लोग स्क्रैचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन हम मिक्सिंग में भी इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम डेक ए से डेक टू की तरफ क्रॉस फेडर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दोनों जो ट्रैक फेडर है वो ऊपर होना चाहिए, ये अगर नीचे रहेगा तो आप कितना भी क्रॉस फेड करेंगे तो आपका वॉल्यूम नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों ट्रैक को इस तरह से नीचे करते हैं और जब ये फेडर को मैं इस तरफ रखूँगा तो ये ट्रैक का वॉल्यूम सुनाई देगा, और जब मैं फेडर को इस तरफ करूँगा तो ये जो डेक है उसका साउंड आएगा। देखिए दोनों फेडर ऊपर रखता हूँ और मैं दोनों ट्रैक को प्ले करता हूँ यहाँ पर, अभी ये वाला ट्रैक का वॉल्यूम सुनाई दे रहा है, अब मैं इसको क्रॉस फेड करता हूँ, तो ये भी एक तरीका है, आप क्रॉस फेड करके भी आप इजीली मिक्सिंग कर सकते हो। फिर बाद में हम बात करते हैं हमारे ईक्यू सेक्शन की। तो यहाँ पर हमारा ईक्यू सेक्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर ऊपर लिखा ट्रिम लिखा है वो बेसिकली जो फेडर है, जो मिक्सर है, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइज है, यहाँ पर मिड्स है, यहाँ पर लोज है। जैसे कि हम सभी को पता ही होगा लोज का मतलब होता है किक,
मिड्स का मतलब होता है हमारा जो वोकल्स होता है, म्यूजिक होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, और हाइस तो हम सभी को पता है जो एकदम ही बहुत ही पतला साउंड आता है, हम सभी को पता है हाइस क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि जो इफेक्ट्स है उसका किस तरह से काम करता है। जब मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ तो जब मैं इसको कम करूँगा तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम चला गया, बिल्कुल फेडर ऊपर है फिर भी वॉल्यूम चला गया। जब मैं इसको ओपन करूँगा हमारा ट्रैक बज रहा है। अब मैं हाइस को कट कर देता हूँ, अभी मिड्स कट करता हूँ, जब बेस को कट करूंगा तो जो लोज है, जो किक है, वो चला गया। तो इस तरह से जो ईक्यू है काम करता है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फिल्टर का नॉब दिया गया है और यहाँ पर LPF और HPF लिखा है, जो कि है लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब आप लो पास करेंगे तो ये जो हाइज है, जो आप मिक्सर से आप वन वन एक एक जो चीज़ को कट करेंगे वो एक ही बार में यहाँ पर कट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, जब मैं प्ले करता हूँ ट्रैक को, जब मैं लो पास करूँगा और जब मैं हाई पास करूँगा, तो इस तरह से आप एक ही बटन से सारे फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक करके कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये है आपका मास्टर, जो भी आप प्ले करेंगे ट्रैक में, तो जो भी वॉल्यूम आप होम थिएटर में या फिर आप जब डीजे बजा रहे हो, जो आपका डीजे सिस्टम लगा होगा, तो आपको यहाँ से इसको कंट्रोल करना है वॉल्यूम। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रैक प्ले करते हो, जो भी ट्रैक करते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये लेवल्स दिखा रहा है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो लेवल है वो कभी भी रेड नहीं जाना चाहिए, ऑरेंज तक गुड फाइन, पर रेड तक नहीं जाना चाहिए। अगर आपका साउंड रेड तक जा रहा है, आपका एक फेडर रेड तक जा रहा है, तो इसका मतलब है आपका साउंड डिस्टॉर्ट हो रहा है। मतलब आपका साउंड, आप कितना भी अच्छा डीजेइंग कर रहे हो, लेकिन आपका जो साउंड है वो ख़राब सुनाई देगा, फटने लगेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंटेन रखना है, आपको रेड नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपको इसलिए ये लेवल दिया गया है जिसे आपकी चेक कर सके कि आप साउंड को डिस्टॉर्ट ना कर पाए। प्लस आप यहाँ पर जो हम, जैसे कि मैंने कहा था, ये है हमारा हेडफोन का वॉल्यूम, तो आप यहाँ से इसको डिसाइड कर सकते हैं। और कोई भी ट्रैक को अगर आपको सुनना है, जो फॉर एग्जांपल जब ये ट्रैक प्ले हो रहा है और आपको इस ट्रैक को सुनना है, तो आपको सबसे पहले इसको प्ले करना होगा और हेडफोन में सुनने के लिए आपको ये क्यू बटन दबाना है सेकंड। तो जैसे आप क्यू बटन दबाएंगे तो ये फेडर तो नीचे है, आप आपके हेडफोन में सुन सकते हो लेकिन मास्टर आउट में नहीं बजेगा। फिर आप यहाँ पर जो भी करें, ट्रैक को क्यू कीजिए, इफेक्ट डालिए, जो भी है आपको यहाँ पर आप हेडफोन में चेक कीजिए, जब आपका फाइनल हो जाएगा तब आप ट्रैक को यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। उसी तरह सा सेम डेक वन में भी है, यहाँ पर क्यू है, अगर आपको इसका हेडफोन में आपको सुनना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्यू दबाना है और आपको यहाँ पर मिक्स करना है। प्लस आपको बहुत सारे मिक्सर्स या कंट्रोलर्स में ये भी फीचर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो मिक्सिंग का। तो ये मिक्सिंग का फीचर का मतलब ये है कि आप हेडफोन में दोनों ट्रैक को सुन के मिक्स कर सकते हो। इनकेस अगर आपका ये फेडर ऑन है, ऊपर है, और आप इस ट्रैक में जो आपको जो ट्रैक है आपको सुनना है और आपको उसको हेडफोन में मिक्स करना है, तो आपको सिंपली इसको इस तरह से कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर आपको ये बताएगा कि आपको मास्टर का हेडफोन में ज़्यादा सुनना है या फिर जो आप ट्रैक क्यू कर रहे हो उसको आपको सुनना है। तो यहाँ पर इसको आप बैलेंस कर सकते हो अच्छे से और आप सुन सकते हो कि आपको दोनों ट्रैक का जो वॉल्यूम है वो किस तरह से चाहिए, और आप हेडफोन्स में इसको मिक्स कर सकते हो। देखिए, अगर आप दोनों ऑन करेंगे इस तरह से, तो आपको दोनों का सेम वॉल्यूम आएगा, इक्वल साउंड आएगा, इससे आपको मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो इनकेस अगर आपको ट्रैक इसके साथ मिक्स करना है और आपको हेडफोन में चेक करना है, तो आपको ये मिक्सिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसको वॉल्यूम, आपको जो मास्टर का वॉल्यूम आपको कितना सुनना है आपके हेडफोन में, आप इसको यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये बटन यूज़ करके आप हेडफोन से मिक्सिंग कर सकते हो। दूसरे जो इफ़ेक्ट्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, ये इफ़ेक्ट का बटन है जहाँ पर आप इफ़ेक्ट्स जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी इफ़ेक्ट का जो बटन है वो अलग अलग कंट्रोलर में बहुत अलग अलग है, तो इफ़ेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर नहीं बात करेंगे। इफ़ेक्ट्स का हर एक कंट्रोलर का अलग अलग फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमको इस तरह से दिया है, फिर हम यहाँ से इसका पैरामीटर्स है वो कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं, प्लस जो इफ़ेक्ट है हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जो इफ़ेक्ट्स है वो हर एक कंट्रोलर के अलग अलग होते हैं। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं जो आपको
हर डीजे कंट्रोलर में मिलेंगे और इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर अब तीन टेक्निक्स बताता हूँ डीजेइंग का, बेसिक टेक्निक जिससे आप डीजेइंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले ट्रांजेक्शन की। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ट्रैक है वो है 126 और जो दूसरा ट्रैक है वो है 123। तो बेसिकली हमको यहाँ पर अब जो सेकंड ट्रैक है उसको सबसे पहले 126 करना होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर 126। ठीक है, अभी हमने इसको मैच कर लिया। अभी मैं ट्रैक को यहाँ पर प्ले करूँगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप जब यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा ड्रॉप है, यहाँ से हमारा बीट स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर एक फॉल आ रहा है, यहाँ पर हमारा बीट स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर फॉल आ रहा है और यहाँ से हमारा फिर बीट स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जो लास्ट का पोर्शन है जहाँ पर ड्रॉप आएगा, जहाँ पर फॉल आएगा, वो फॉल के बाद जो भी पहला बीट आएगा वहाँ पर हमको जो ये हमारा सेकंड ट्रैक है उसको वहाँ पर हमको प्ले करना है। बेसिकली आप यहाँ पर फॉल है, यहाँ से भी हम बीट को या फॉल के बाद जो बीट आएगा वहाँ पर प्ले कर सकते हैं, हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे कि हमने ये पोर्शन को पूरा प्ले कर लिया है, अब मैं यहाँ से ट्रैक को प्ले करूँगा और जैसे ही हमारा फॉल ख़त्म होगा और उसका जो फर्स्ट बीट आएगा तब हम इस ट्रैक को प्ले करके मिक्स करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ट्रैक को प्ले करते हैं यहाँ से। आपको ये यहाँ पर वो बीट भी दिखाई देगा, आप स्क्रीन पे बीट भी देख सकते हैं, उस बीट पे फर्स्ट बीट पे आपको इस ट्रैक को प्ले करना है। अगर बीट थोड़ा आगे पीछे होता है तो आपको बीट को मैच करना है। ईजिली मैच हो गया। अब हम इस सेम चीज़ को क्रॉस फेड करके करते हैं। इसके लिए हमको दोनों फेडर ऊपर रखना होगा और इसको मैं इस तरफ रखूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका वॉल्यूम नहीं चाहिए। अब मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ यहाँ पर और जैसे ही फर्स्ट बीट आएगा तो मैं ये फर्स्ट बीट को यहाँ पर प्ले करूँगा। इजिली हमने इस जो ट्रैक को ट्रांजेक्शन कर लिया। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने ये आपको जो टिप बताया है आपको वो चीज़ को फॉलो करना है। जैसे ही कोई भी ट्रैक में फॉल आता है, फॉल के बाद जो फर्स्ट बीट आता है तो आपके ट्रैक के जो सेकंड ट्रैक है उसके फर्स्ट बीट को आपको वहाँ से प्ले करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको फर्स्ट बीट से नहीं प्ले करना है तो आप इसको ये जो फॉल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फॉल ख़त्म होने के बाद जब यहाँ से बीट स्टार्ट हो रहा है आप उसको वहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम टाइमिंग कहते हैं, जो बीट बार फ्रेज होता है उसके बाद उसे कहते हैं। तो अगर आप स्टार्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जो टेक्निक है आप सबसे पहले इस टेक्निक को ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख के आपको पता चलेगा कि अब ये ड्रॉप आ गया, फॉल आ गया है। अब ड्रॉप फॉल के बाद जो फर्स्ट बीट आएगा तो अब आपको सेकेंड जो ट्रैक है आपका उसको क्यू करके रखना है, बराबर प्रॉपरली फर्स्ट बीट पर क्यू करके रखना है और फिर आपको उस पर उसको प्ले करना है। तो ये रहा एक टेक्निक। अभी मैं आपको दूसरा टेक्निक बताता हूँ जिससे आप फॉल से ट्रैक को चेंज कर सकते हो। तो ये टेक्निक आप ईडीएम से हिप हॉप या फिर हिप हॉप से आपको ईडीएम में जाना है तो आप इजीली ये ट्रांजेक्शन से कर सकते हो। सेम ट्रांजेक्शन है, सिर्फ आपको दोनों का फॉल है उसको आपको मैच करना है। तो इसके लिए आपको जो सेकेंड ट्रैक है उसका जो फॉल है उसको सबसे पहले क्यू करना होगा। तो पहले हम सेकेंड ट्रैक है उसके जो फॉल को हम क्यू कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ। तो इसको मैंने फॉल पे यहाँ पर क्यू कर लिया। अब इस ट्रैक को हम प्ले करते हैं और जैसे ही उसका फॉल आएगा तो ये फॉल के साथ हम उसको मैच कर लेते हैं। I'm gonna go get a snake, but the back of the seat is
तो इस तरह से आप फॉल से फॉल भी मिक्स कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अब EDM से हिप हॉप की तरफ कैसे जाते हैं ये सेम टेक्निक यूज़ करके वो मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक ट्रैक 126 में है और दूसरा ट्रैक जो है वो 76 में है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप इजीली जो है बिना बीट मैच किए आप ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हो। तो चलिए अभी हम हमारे तीसरे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। इस ट्रांजेक्शन को हम दो टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम EQ यूज़ करके करेंगे और सेकंड ट्रांजेक्शन में हम यूज़ करेंगे फिल्टर नॉब से हम ट्रैक को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। और सेम टेक्निक जो सेम ट्रांजेक्शन जो हमने फर्स्ट में यूज़ किया था वो सेम ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था फॉल के बाद जो बीट आएगा उस पर हम जो सेकेंड ट्रैक है उसको हम मिक्स करेंगे। और इसको फेड करने से अच्छा जो जिस तरह से हमने फेड किया वो थोड़ा सा उसको हम मिक्सिंग नहीं कहते, उसको हम फेड इन फेड आउट करते। जब आप EQ यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रॉपर मिक्सिंग कहते हैं, जिससे कि हम एक की फ्रीक्वेंसी काटते हैं और दूसरे की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं, एक की कम करते हैं, क्या ज़्यादा करते हैं, क्या कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, जिससे कि जो फ्रीक्वेंसी है ट्रैक की वो जो म्यूज़िक की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहे। जहाँ पर भी हम उसको कम करते हैं तो एक साइड में उसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिससे कि सुनने में और भी अच्छा लगे, जो मिक्सिंग है और भी स्मूथ होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको उसको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि ये ट्रैक जो मैं प्ले करने वाला हूँ उसका स्पीड 129 पे मैंने रखा है और दूसरा जो ट्रैक है उसका जो स्पीड है वो 133 पे है। तो हमको सबसे पहला जो सेकेंड ट्रैक है उसको हमको 129 पे लाना है। हमने इसको 129 पे लाया है और जैसे कि मैंने कहा था हमारे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, देखिए जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो मैंने कहा था आपको वो ट्रांजेक्शन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपकी मिक्सिंग और भी अच्छी हो सकती है। तो ये आप जो टेक्निक है वो हर सॉन्ग में आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो DJ रिमिक्सेस है उसमें भी कर सकते हो, आप EDM ट्रैक्स हाउस ट्रैक में ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो हमेशा तो आपकी जो मिक्सिंग है वो बहुत मस्त हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मिक्सिंग करने में। तो चलिए हम जो फॉल है फॉल की तरफ जाते हैं यहाँ पर, और जो फॉल के बाद जो ट्रैक आएगा उसको हम वहाँ पर जो फर्स्ट ट्रैक है उसको मिक्स करेंगे और जो इक्वलाइज़र यूज़ करके हम उसको मिक्सिंग करेंगे। और आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आपको जो आएगा जो क्रॉस फेड करने में और मिक्सर जो EQ यूज़ करने में वो बहुत ही अलग होता है। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा EQ को यहाँ से इसको काट लेते हैं, सेकेंड ट्रैक की EQ को, और यहाँ से ट्रैक को मैं प्ले करता हूँ। और जैसे मैं ट्रैक को चढ़ा धीरे धीरे ऊपर करूँगा तो यहाँ से मैं इसको कम करूँगा और इसको बढ़ाते जाऊँगा और बीट पे हमको अब प्ले कर रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे EQ कटिंग करेंगे। तो ये एक टेक्निक है। अभी हम सेकंड टेक्निक सेम ट्रैक सेकंड टेक्निक पे यूज़ करेंगे जहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा फिल्टर नॉब। सेम चीज़ आपको फॉलो करना है जो भी मैंने कहा। सबसे पहले आपको BPM मैच करना है और जो भी ट्रैक सेकंड ट्रैक आप जो भी प्ले करेंगे उसको आपको सबसे पहला जो फर्स्ट बीट है उसको वहाँ पर आपको क्यू करना है। जैसे फर्स्ट ट्रैक का ड्रॉप जो फॉल आता है फॉल के बाद जो ड्रॉप आएगा
आपको सेकेंड ट्रैक के जो ट्रैक को है उसको आपको उस बीट पे, फर्स्ट बीट पे ही आपको प्ले करके उसको मैच करना। इन केस अगर आपको मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम होता है, पिच बैंड करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ पर मास्टर सिंक है वो भी दबा के आप ट्रैक को सिंक कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आपको पता चले कि बीट मैचिंग किस तरह से सुनाई देती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ट्रैक्स चाहिए, आपको जो ट्रैक्स मैंने इस सॉन्ग में यूज़ किया है अगर आपको वो ट्रैक्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर मुझे आप DM कीजिए कि ये मुझे प्रैक्टिस के लिए ये ट्रैक्स चाहिए, तो वो हाउस ट्रैक्स है, जो भी ट्रैक्स मैंने जो यूज़ किया वो ट्रैक्स मैं आपको दूंगा, वो ट्रैक डाउनलोड करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिना प्रैक्टिस के आप DJing नहीं सीख सकते अगर पास कंट्रोलर है घर पे। इवन दो अगर आपके पास लैपटॉप भी है तो आप लैपटॉप से भी प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू एक घंटा प्रैक्टिस करते रहिए, और जब जैसे जैसे आप ट्रैक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पास क्या क्या ट्रैक्स है, प्लस आप कुछ नए ट्रैक्स भी प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रैक अच्छा है, ये ट्रैक अच्छा है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी टेक्निक मैंने यहाँ पर आपको बताया उस टेक्निक को ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।